जेके न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तिब्बतीय संग्रहालय की तस्वीरें हैं और ये खूबसूरत वादियों से हम आपको दिखा रहे हैं। मकलोडगंज धर्मशाला में बने तिब्बतीय संग्रहालय की स्थापना जो है 1998 में की गई थी और मुख्य उद्देश्य इसका ये था कि तिब्बत के इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी मिले, तिब्बत के लोग किस तरीके से उनका पलायन हुआ और उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए और इस समय वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी जो है इस संग्रहालय में मिलेगी। मकलोडगंज धर्मशाला में मुख्य मंदिर में परिसर में ये तिब्बत संग्रहालय बना हुआ है और हर साल हज़ारों की संख्या में विदेशी सैलानी यहाँ पर आते हैं, तिब्बत के लोग भी यहाँ पर आते हैं और भारतीय लोग जो हैं, जो लोकल लोग हैं, वो भी इस संग्रहालय में आते हैं और यहाँ पर उनको नॉलेज मिलती है कि किस तरीके से जो तिब्बतियन कल्चर था, तिब्बत की हिस्ट्री क्या है और वर्तमान में तिब्बत के लोग किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो आपको इस संग्रहालय में मिलेगी। इसके अलावा इस संग्रहालय में जो तिब्बत के कल्चर्स हैं, उनकी ड्रेसेस हैं, उनके जो उनका रिलीजन है, किस तरीके से वो तिब्बत से उठकर भारत आए, पूरा सफ़र जो है वो आपको इस संग्रहालय में मिलेगा और ढेर सारी पुस्तकों के साथ यहाँ पर जो है आपको विजुअल मैसेजेस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको अगर पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो वो भी यहाँ पर पूरी आपको बताई जाएगी। और तिब्बतीय संग्रहालय जो है ये राजनीतिक संघर्ष और तिब्बतियों के लचीलेपन पर भी प्रकाश डालता है कि किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। करें तो इस संग्रहालय में ज़रूर आएं और आज आपको हम जेके न्यूज़ टुडे के माध्यम से जो हैं इस संग्रहालय की खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।